अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सफी और मैं हूं जफरी। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश इकोनॉमिक क्राइसिस एक्सप्लेन। तो देखते हैं भाई कि बांग्लादेश काफ़ी अच्छी तरक्की कर रहा था, तो अचानक से भाई क्या हो गया कि जो ऐसी हालत आन पहुंची है। देखते हैं भाई वीडियो और बाद में देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। बांग्लादेश के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये है दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का कड़वा सच। स्टीप इंक्रीज इन फ्यूल प्राइस इन बांग्लादेश सॉ प्रोटेस्ट इरप्टिंग अक्रॉस द कंट्री दिस संडे। श्रीलंका पूरी तरह बैंकक्रप्ट हो चुका है। पाकिस्तान अपने लोगों को चाय पीने नहीं दे रहा क्योंकि उनके पास चाय इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है। और अब बांग्लादेश भी IMF का दरवाजा खटखटा रहा है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बांग्लादेश में इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आने वाला है और भारत को इससे क्या लेसन सीखने चाहिए ताकि हम ऐसी सिचुएशन को अवॉइड कर सके। आपका टाइम वैल्यूएबल है, इसलिए यह है सारे चैप्टर्स। बट सिचुएशन को पूरी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, बांग्लादेश हमारा नेबर है और हमें वहां की सिचुएशन समझने की जरूरत है। इस वीडियो में हम कहीं भी उनके बुरे हाल के लिए खुशी नहीं जता रहे, लेकिन कुछ पॉइंट्स समझने की, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप बांग्लादेश से हैं तो लेट मी मेक इट क्लियर, दिस वीडियो इज नॉट टू इंसल्ट यू और योर कंट्री, इट इज टू स्टडी, अंडरस्टैंड एंड लर्न। चैप्टर 1, बांग्लादेश का आज का हाल। ये है बांग्लादेश, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक। सिर्फ 6 महीने पहले की बात है, पूरी दुनिया बांग्लादेश की तारीफ कर रही थी। वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को एक मॉडल फॉर पॉवर्टी रिडक्शन कहा। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2041 तक बांग्लादेश एक डेवलप्ड देश बन जाएगा। एंड यू नो व्हाट, आई एग्री। हर आर्टिकल, हर ग्राफ, हर न्यूज पोर्टल यही कह रहा था कि बांग्लादेश का मस्त चल रहा है और बांग्लादेश सच में बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था। तो अब क्यों पेट्रोल के प्राइसेस कुछ ही दिनों में 50% बढ़ गए हैं? क्यों आम लोग ये कह रहे हैं कि भीख मांगने की पारी आ रही है? जस्ट एक साल पहले की बात है, बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम भारत के पर कैपिटा इनकम से $280 ज्यादा था। आसान भाषा में कहा जाए तो बांग्लादेश का एक आम इंसान भारत के एक आम इंसान से ₹22,000 ज्यादा कमा रहा था। जहाँ भारत का GDP ग्रोथ हर साल थोड़ा थोड़ा स्लो हो रहा था, बांग्लादेश का GDP ग्रोथ रेट 2019 तक कंसिस्टेंटली बढ़ रहा था। इवन 2020 में जहाँ भारत की इकोनॉमी 8% से कम हुई, वहाँ बांग्लादेश की इकोनॉमी 3.4% से बढ़ी। सिग्नल्स तो सारे पॉजिटिव हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आज बांग्लादेश ने IMF से $4.5 billion का एक बेल आउट पैकेज मांगा है। उनके ऑफिशियल्स कहते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रिकॉशन के तौर पर हम लोन ले रहे हैं। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, क्योंकि अगर प्रॉब्लम ना होता तो अचानक से फ्यूल प्राइसेस 50% ना बढ़ते, लोग सड़कों पर ना आते। ये IMF का लोन एक लौता लोन नहीं है, ये एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता जा रहा है। जून 2020 में, जिस 2 साल पहले, बांग्लादेश ने $1.7 billion का पैंडेमिक लोन अलग अलग एजेंसी से लिया। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए 61 मिलियन वैक्सीन डोजेस फ्री में अमेरिका से लिए, यानी वैक्सीन के लिए बांग्लादेश पैसे नहीं दे सकता था। उसी प्रोग्राम को रन करने के लिए $1.4 billion वर्ल्ड बैंक से उठाए। IMF, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका कोई चैरिटी नहीं चलाते, इस लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जो कभी ना कभी पे करना पड़ेगा। इतनी सारी मदद मिलने के बाद आज 2022 में बांग्लादेश एक सही ट्रैक पर होना चाहिए था, फिर से बैक टू नॉर्मल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि प्रॉब्लम जितना छोटा दिखता है उतना छोटा था नहीं। चैप्टर नंबर 2, लाइज, डैम लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। कहते हैं देयर आर लाइज, डैम लाइज एंड देन देयर आर स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि कोई भी डेटा, कोई भी सर्वे हमें एक देश का पूरा पिक्चर नहीं दिखाता, सिर्फ एक अनुमान दिखाता है, एक एस्टिमेशन। स्टैटिस्टिक्स कोई भविष्यवाणी नहीं होता जो एक गारंटी दे दे कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है और बांग्लादेश में कुछ ऐसा ही हुआ। 2009 में शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी और उन्होंने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए। इसमें पद्मा ब्रिज, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ढाका सिटी मेट्रो रेल, ऐसे कई एम्बिशियस और कॉस्टली प्रोजेक्ट शामिल हैं। अच्छी बात है, प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के लिए होते हैं, लोगों की भलाई के लिए होते हैं, यानी प्लान तो अच्छा था लेकिन एग्जीक्यूशन। पद्मा ब्रिज, जिसकी कॉस्ट $1.16 billion होने वाली थी, वो बनते बनते कॉस्ट डबल से भी ज्यादा $3.6 billion हो गई। ये सेम पैटर्न मेट्रो रेल, अंडर वाटर कर्णफुली टनल में भी दिखता है।
करप्शन की वजह से, डीलेज की वजह से कॉस्ट बढ़ते ही चले गए और इसका बिल लोगों को पे करना पड़ा। प्लस कई बड़े बड़े स्कैम्स सामने आए। 1,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक लोग स्कैम करके बैंक से लोन लेकर भाग गए। इन टोटल सेंट्रल बैंक ने $11 बिलियन के बैड लोन्स रिपोर्ट किए। IMF मानता है कि ये नंबर झूठ है, उनका सेंट्रल बैंक ही झूठ बोल रहा है। एक्चुअल नंबर इस आंकड़े के डबल से भी ज्यादा है। चैप्टर 3, बिजली का बिल कौन भरेगा? किसी भी देश को डेवलप करना है तो इंडस्ट्रीज लगेंगी। अगर इंडस्ट्रीज चाहिए तो चीप और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, और चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में बांग्लादेश ने काफी सक्सेस पाई। मार्च 2022 में सरकार ने डिक्लेयर किया कि पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, और ये सारी इलेक्ट्रिसिटी जो सस्ते में इंडस्ट्रीज तक पहुंच रही थी, बांग्लादेश की ग्रोथ को बढ़ावा दे रही थी, वो कैसे बन रही थी? नेचुरल गैस से। अब शुरू हुआ प्रॉब्लम। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से नेचुरल गैस का पूरी दुनिया में शॉर्टेज होने लगा, और बांग्लादेश जो आज भी अपनी 63% इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल गैस से बना रहा है, उसे इसका बहुत बड़ा फटका पड़ा। 2010 से लेकर 2011 तक पावर सेक्टर को बहुत ज्यादा सब्सिडीज मिले ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़े और लोगों को चीप इलेक्ट्रिसिटी मिले। इन 11 सालों में पावर कंपनीज पर सरकार ने $7.1 बिलियन खर्च किए। नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना महंगा होता है, तो बांग्लादेश ने एक बैंडेड की तरह टेम्पररी और क्विक सॉल्यूशंस ढूंढना स्टार्ट किया, जैसे QRPPs, क्विक रेंटल पावर प्लांट्स, जहां प्राइवेट कंपनीज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देकर देश की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बढ़ाती। कोविड की वजह से अचानक से डिमांड कम हो गई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा लिखा गया था कि सिर्फ एक्स्ट्रा कैपेसिटी प्रोवाइड करने के लिए भी उन कंपनीज को पेमेंट करना ही होगा। ऐसी कंपनीज में एक इंडियन कंपनी का भी नाम शामिल है, अडानी। अडानी को 25 साल के लिए बांग्लादेश इन टोटल $11 बिलियन पे करने वाला है, सिर्फ उनकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, फिर चाहे बांग्लादेश उसे यूज करे या ना करे। बांग्लादेश की ट्रिमेंडस प्रोग्रेस ऐसे काफी रिस्की डिसीजंस के बेसिस पर थी, जो अगर कोविड ना होता, रशिया यूक्रेन क्राइसिस ना होता, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोविड और रशिया यूक्रेन क्राइसिस ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर दिया है। बदलते जमाने के साथ जियोपॉलिटिक्स बदलने वाला है, और उसका इम्पैक्ट As Indians, हम पर भी होने वाला। इसके बारे में काफी इंटरेस्टिंग बुक समरी मैंने कुकू FM पर सुनी, Principles for Dealing with Changing World Order में। नॉलेज पार्टनर फॉर दिस वीडियो इज कुकू FM। इस बुक समरी में हमने ये सीखा कि कैसे एक देश की हिस्ट्री को एनालाइज करके हम आने वाले समय में उसके ग्रोथ या डाउनफॉल को प्रेडिक्ट कर सकते। ऑथर ने इस बुक में कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल को यूज करके ये बताया है कि कैसे नेशन सक्सीड या फेल होता है। इतना इन डेप्थ नॉलेज जो आपको समझने में यूजुअली हफ्ते लग जाएंगे, वो कुकू FM पर आप लेस देन 2 आवर्स में समझ सकते हैं। कुकू FM भारत का लीडिंग ऑडियो शो प्रोग्राम है, जहां 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज आप सुन सकते हैं। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है, जहां आप सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, रीजनल लैंग्वेजेस में भी ऑडियो शोज सुन सकते हैं। और हम आपके लिए एक खास ऑफर लाए हैं। पहले 500 यूजर्स ये कोड यूज करके कुकू FM पर साइन अप कर सकते हैं। आपको कुकू FM का सारा नॉलेज एक पूरे साल के लिए सिर्फ 199 रुपीस में मिलेगा, इंस्टेड ऑफ 399। ये सारा नॉलेज मैं जिम में वर्कआउट करते समय, ड्राइव करते समय या फिर कुकिंग करते समय सुनना पसंद करता हूँ। डाउनलोड और सब्सक्राइब करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कीजिए और आज ही कुकू FM को ज्वाइन कीजिए। चैप्टर 4, जब स्ट्रेंथ ही वीकनेस बन जाता है। बांग्लादेश की इकोनॉमी एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, और इस एक्सपोर्ट फोकस ने उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। 30.4% ऑफ द वुमेन इन बांग्लादेश पार्टिसिपेट इन द लेबर फोर्स, जिसका मतलब ये है कि ये औरतें एक्चुअली इकोनॉमी को आगे लेके जाती हैं। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ बांग्लादेश दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम। और वो इंडस्ट्री जिसने इन महिलाओं को रोजगार दिया, वो है टेक्सटाइल्स। बांग्लादेश आज एक टेक्सटाइल पावर हाउस है। उनके एक्सपोर्ट का 80% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है। मेजोरिटी ऑफ दिस इज सोल्ड टू फैशन हाउसेस इन यूरोप। लेकिन कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप में रिसेशन के लक्षण दिख रहे हैं। रिसेशन का मतलब यह है कि लोग खर्चे कम करेंगे, स्पेशली फॉर थिंग्स लाइक क्लोथ। यूरोप के क्लोथिंग ब्रांड्स एक्सक्लूसिविटी बनाने के लिए नया इन्वेंट्री कंटिन्यूअसली ऑर्डर करते रहते हैं, और अनसोल्ड इन्वेंट्री पीरियोडिकली डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। फास्ट फैशन का ये अगली चेहरा हम एक और वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन इस साइकिल की वजह से बांग्लादेश के लिए टेक्सटाइल ऑर्डर्स ऑलमोस्ट गारंटीड ही थे। उनके लिए 15% ग्रोथ रेट भी स्लो ग्रोथ रेट था। नेचुरल गैस के बढ़ते दामों की वजह से टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में पावर कट्स होना शुरू हुआ और ऑर्डर्स डिले होने लगे। इस टेक्सटाइल्स के परफेक्ट स्टॉर्म में एक और ट्विस्ट है। बांग्लादेश लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और LDC के कैटेगरी में आता है, और WTO के रूल्स के अनुसार डेवलप्ड देशों को LDCs को स्पेशल बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। दीज आर कॉल्ड जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस और GSP। इस स्कीम के अंतर्गत बांग्लादेश के टेक्सटाइल्स पर कोई ड्यूटी नहीं लगती। कन्वर्सली भारत के टेक्सटाइल्स पर 6.5% की ड्यूटी लगती है। बांग्लादेश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए बांग्लादेश इस LDC के कैटेगरी से ग्रेजुएट होने वाला है। यानी बांग्लादेश को मिलने वाले ये बेनिफिट्स अब नहीं मिलेंगे। चैप्टर 5,
तो भारत इससे क्या सीख सकता है? लेसन वन, हमें लोन्स को कंट्रोल करना होगा। आरबीआई ने ऐसे 5 स्टेट्स के नाम दिए हैं जिनका डेट देश के लिए डेंजर पैदा कर सकता है। प्रॉब्लम ये है कि इन स्टेट्स में इलेक्शन के समय फ्रीबीज और सब्सिडीज दी जाती हैं। एक्चुअली सारे स्टेट्स फ्रीबीज देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ स्टेट्स के पास इन फ्रीबीज को पे करने के लिए पैसा ही नहीं होता। लेसन टू, मिक्स इकोनॉमी बनने की जरूरत। पाकिस्तान पर पैंडेमिक का बड़ा इंपैक्ट इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले से ही वीक थी। डे टू डे लाइफ के लिए जरूरी चीजें जैसे चाय पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है। श्रीलंका को प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि टूरिज्म पर उनका पूरा इनकम डिपेंडेंट है। वैसे ही बांग्लादेश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनके कपड़ों का सबसे बड़ा इंपोर्टर यूरोप है जहां रिसेशन चल रहा है। इंडिया के लिए एडवांटेज ये है कि हम एटलीस्ट फूड के मामले में आत्मनिर्भर है। वी हैव टू थैंक लाल बहादुर शास्त्री फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन फिर भी हम टेक्नोलॉजी के मामले में वेस्ट और चाइना पर डिपेंडेंट है। अगर कल चाइना के साथ एक वॉर लाइक सिचुएशन हो गई तो जीते कोई भी, नुकसान हमारा ही होगा क्योंकि हम चाइना से बहुत ज्यादा इम्पोर्ट करते हैं। और थर्ड लेसन यह है कि हमें डेटा ठीक से मेंटेन करने की जरूरत है। बांग्लादेश अगर एक नजरिए से देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा था। सारे सोशल इंडिकेटर्स यही कह रहे थे। बांग्लादेश में गरीबी कम हो रही थी, एजुकेशन बढ़ रहा था, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा था। बट ऑन दी अदर हैंड उनका चाइना जैसे देशों पर डिपेंडेंस भी बढ़ रहा था। ग्रोथ फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ इज नॉट गुड, और इसका बैलेंस हमें सही डेटा के साथ ही मिल सकता है। सारे डेमोक्रेसीज का यही मेन प्रॉब्लम होता है कि हम डेटा मैनेजमेंट में पीछे पड़ जाते हैं। प्रोपेगेंडा और पब्लिक इमेज बनाए रखने के लिए हम काफी चीजें छिपाते हैं। हमें इस एटीट्यूड से सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोविड हमारे लाइफ से धीरे धीरे गायब हो रहा है, लेकिन उसका डीप इम्पैक्ट अभी भी हमारी इकोनॉमीज पर कायम। ऐसे सिचुएशन में जरूरी है कि हम कॉन्वर्सेशंस इंपॉर्टेंट बातों पर करें, इकोनॉमी पर करें, देश को प्रोटेक्ट करने में अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट करें। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। इस वीडियो के लिए हमने काफी डीप रिसर्च किया है और सारा स्टडी मटेरियल डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन अगर फिर भी आप किसी बात से अग्री नहीं करते तो वो क्या है हमें कमेंट्स में बताइए। बाय द वे, कुकु FM को डाउनलोड करना ना भूलिए, इससे हमारे चैनल की बहुत मदद होती है। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जरूर करें भाई कुकु FM, उनके लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो खैर आते हैं भाई वीडियो पर, लेकिन यह सबसे पहले तो हम हमेशा से यही भाई सुनते आए हैं, कोई इसमें शक नहीं है कि जो बांग्लादेश है जब से पाकिस्तान से अलहदा हुआ है, बेशक अभी हुआ है, तो उन्होंने भाई इतनी मेहनत की, वो कैसे भाई आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई वो इंडिया के मुकाबले में थे, हर देश के मुकाबले में वो भाई एक प्रॉपर चल रहा था ये। लेकिन मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ भाई कुछ तो भाई होते हैं जिनकी भाई नजर भी लग जाती है। खैर उसके पीछे और भी बातें होती है भाई, नजर ही लगी है हमसे, हम ही उनकी तरफ। पहले सारी दुनिया देख रही थी, नई नजर लगी जब से पाकिस्तान ने भी देखा है ना कि वो आगे जा रहा है। नजर लगने वाली लग गई है भाई उनको बेचारों को भाई। रशिया का वार काफी एक बुरा चल रहा था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को उसके क्रॉसेस के नुकसान हुए हैं, ताकि हर कंट्री को हुए। और फिर उनकी जो यूरोप में वो करते थे कपड़ा वगैरह, वो भी बंद हो गया, तो ये बहुत उनको बड़ा नुकसान है झेलना पड़ा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक थोड़ी सी कम होती गई। और ऐसे अब इस बार उनको काफी लॉस हो चुका है भाई, काफी पीछे जा। असल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ना बहुत ज्यादा इसका नाम है बांग्लादेश का। और एक टाइम था 2008 से लेकर 2013 तक जो है ना, पाकिस्तान से बहुत सारी इंडस्ट्री जो है ना वो बांग्लादेश शिफ्ट हुई थी, जो एक्सपोर्टर थे, जो मतलब एक अच्छे लेवल के एक्सपोर्टर थे ना, वो क्यों यहाँ से शिफ्ट हुई थी, क्योंकि यहाँ पे 2008 के बाद जो है ना एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, जिसको आप कह लें लोड शेडिंग का या बिजली का, या जो है ना वो बहुत बड़ा क्राइसिस था। लोगों को जो है ना वो आप ये अंदाज़ा लगा लें 12-12 घंटे लोड शेडिंग होती, तो ज़ाहरी बात है जब एक्सपोर्ट लेवल की जो इंडस्ट्रियाँ होती हैं, जब वो जनरेटर पे इतनी देर के लिए चलेंगी तो उनको बचेगा क्या। एक चीज़ जो है ना वो 50 रुपए में यहाँ पे पैदा करके दे रही है, बना के फुल जो है ना, अगर वही चीज़ उसको 70 रुपए में बनानी पड़े तो उसने तो उसको आगे जो है ना वो दिया हुआ भी 60 रुपए का, 10 रुपए वो कमा रहा है, तो उसके लिए फिर जहरी बात है वो लॉस में जाएगा। तो इस लिहाज से उसने बहुत सारी इंडस्ट्री जो है ना वो यहाँ से बांग्लादेश शिफ्ट हुई थी, और उसकी वजह भी यही थी कि बांग्लादेश बहुत जो है ना वो सस्ती बिजली जो है ना वो अपने वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन को जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा था। तो अब जो है ना वो मसला बिल्कुल जो है ना इनकी बात सही है कि जो रशिया और यूक्रेन की वार है ना उसने बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है इससे रेलिवेंट कंट्रीज को, जो एनर्जी पे जिनका बहुत ज्यादा इंसार था,
आप यही देख लें जिस तरह पेट्रोल की कीमतें जो है ना वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल है इधर के कंट्रीज़ में, और उसी तरह बाकी गैस के हिसाब से जो है ना वो बांग्लादेश तो पहले। लेकिन एक चीज़ की समझ नहीं आई कि वो बिल्कुल सही बात कह रहा है कि आपका जो एक्चुअल डाटा होता ना वो आपको ज़रूर शो करना चाहिए। अब जिस तरह आप देख लें कि एक कुछ 5-6 माह पहले तक तो, या आप 3 माह कर लें, बांग्लादेश जो है ना वो बहुत हाई लेवल पे जा रहा था। बांग्लादेश की लोग मिसालें इधर देते थे, पांच एक माह पहले एक जो है ना वो वीडियो बनाई थी, और जिसकी वीडियो बनाई थी उसने यही कंपैरिजन किया था बांग्लादेश और इंडिया का, कि इंडिया कितना अभी जो है ना वो बांग्लादेश से पीछे है। तो लेकिन वो आज समझ आया कि पता नहीं उसने कहाँ से डाटा इकट्ठा किया था उस बंदे ने, लेकिन उस हवाले से आज आपके सामने जो हालात है वो IMF के सामने या बाकी दूसरा चाइना तो उसके जो है ना वो अनकंट्रोल हुआ हुआ मामला। बिल्कुल भाई, ये मैं बोलना चाहता हूँ कि इस जगह भाई इंडिया को जरूर हेल्प करनी चाहिए, जो कि वो भाई कर रहे हैं इस वक्त उनके साथ हैं भाई। अनाउंसमेंट हुई भी है बिल्कुल, लेकिन करनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह श्रीलंका पे ये मसला आया था उस वक्त इंडिया ने थोड़ा हेल्प किया था, अब इसको भी करना चाहिए। लेकिन ये कि इनको अगर इस तरह की सिचुएशन थी तो रोला डालते, हाल हाल करते, लोगों को पता चलता कि हम जो है ना वो एकदम से ESM के क्राइसिस शुरू हो गए, पता भी नहीं चला। यूक्रेन वार जब स्टार्ट हुई है तो उसके बाद भाई आहिस्ता आहिस्ता हालात बिगड़ते गए हैं, क्योंकि इससे काफी यूक्रेन वार से भाई काफी लोगों को लॉस हुआ, पता नहीं क्या क्या जेल में भर रहे हैं। थोड़ा पीछे ही होंगे, हमारे भी इस तरह के हैं, ये नहीं कि नहीं, हम तो जस्ट ये देख रहे हैं कि हमारे और कितने साथी इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये एक चैलेंजिंग होगा इंडिया के लिए। तो हम तो नहीं चाहते कि इंडिया के ऊपर भी इस तरह का टाइम नहीं आएगा, उम्मीद है, क्योंकि वो थोड़ा और तरीके से चल रहे हैं, लेकिन हर चीज को देखते हुए चल रहे हैं। कंट्रीज के ऊपर जो है ना वो ज्यादा पड़ता है, और वो इस चीज का इस चीज से जो है ना वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। बिल्कुल भाई, तो काफी अच्छी वीडियो थी भाई, भाई इंफॉर्मेशन भी अच्छी देते हैं भाई, आपने देखा कि उन्होंने काफी काफी मेहनत की है भाई वीडियो पर, तो उनका भी भाई चैनल आपने सब्सक्राइब करना है, खैर हम बोल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।